पहली किताब में इतनी कामयाबी, कमाल है। हाँ भाई, इनकी किताब में है तो कमाल, इसीलिए तो हिरवानी साहब ने तुरंत उसके कॉपीराइट खरीद लिए, उस पर एक जबरदस्त फिल्म बनी, गजब। अरे क्यों नहीं बनेगी भैया, किताब में पूरा फॉर्मूला जो घुसा है। फॉर्मूला मेरी किताब में हर चीज नहीं है, बिल्कुल अलग। अभिजीत जी, अब आपकी तरह सारे लोगों को शब्दों से खेलना तो नहीं आता ना। हिरवानी साहब के कहने का मतलब है कि आपकी किताब में एक अच्छी कामयाब फिल्म के सारे मसाले हैं। कामयाबी कोई पाव भाजी नहीं है जो मसाले डाले और बन गए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। राइट यार, राइट, वन लार्ज उसकी। बिल्कुल सही कहा आपने, इसीलिए मैं 6 साल में एक पिक्चर बनाता हूँ। पिक्चर? जी जी, गौतम गिरोटी, प्यार 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 के डायरेक्टर। हो, वही जो 6 महीने पहले रिलीज हुई थी। जी, सच पूछिए तो बहुत ही बोरिंग थी। वो तो आपकी राय है, मगर फिल्म तो सुपर हिट थी। और एक्सक्यूज प्लीज, वैसे पूर्ण विराम के लिए आप किसको डायरेक्ट ले रहे हैं, इन्हें तो नहीं ना? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मैंने 4 एक्सक्यूज बोला था ना, 5 क्यों डाले? इडियट, 5 क्यों डाले? गिरफ गिरफ। आप तो काफी गर्म मिजाज इंसान है। जी, एसीपी खानविलकर, और ये है शेरवानी साहब। आप भी किसका इंट्रोडक्शन कराते हैं, भला सेलिब्रिटी राइटर अभिजीत को कौन नहीं पहचानता? अभिजीत नहीं, अभिजीत। ओ, अभिजीत, ये रहा आपका। थोड़ा ऐसा वाओ, क्या अंदाज है भाई। लोगों को हमने चाय में एक चम्मच चीनी डालते देखा है, लेकिन ड्रिंक में एक चम्मच सोडा, भाई वाह क्या अंदाज है। बात अंदाज की नहीं, टेस्ट की। जिंदगी में हर चीज सही प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, एकदम नपीतुली, जैसे आपकी किताब में। राइट, वेरी गुड। एक्सक्यूज मी सर, आपसे थोड़ी बात करनी है प्लीज। वो नॉवल का सीन है जहां पहली बार हीरो हीरोइन को देखता है। ओ माय डियर बेटा, इतनी देर क्यों कर दी? फ्लाइट डिले हो गई थी क्या? फ्लाइट नहीं, ये लेट था। मैं कब से एयरपोर्ट में समीर का इंतजार कर रही हूँ। अरे बेटी, तुम कहती तो मैं गाड़ी भेजता था तुम्हारे लिए। अंकल, ऐसी बात नहीं है, वो मैं तो कुछ मत बोलो, नो एक्सक्यूजेस। अब तुम आई गई हो तो इनसे मिलो। द स्टार ऑफ टुनाइट्स पार्टी, अभिजीत सागर, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। पर अभी आप मुझसे मिले ही कहाँ हैं? आज से मैं सारा टाइम आपका पीछा करूंगी। I want to learn writing. वो भी आपसे सिखाएंगे ना? देखिए, लिखना सिखाया नहीं जाता। It's an inborn talent. Right. और वो मुझ में है। बस थोड़ी पॉलिशिंग की जरूरत। अरे बेटी, ये क्यों तुम्हें सिखाने लगे? कहीं तुम इनसे अच्छा लिखने लग गई तो you'll be his competition, no? Competition? Impossible. अभिजीत का मतलब है जिसे जीता नहीं जा सकता। Jealous? Right now? थोड़ा सा। Come on, let's have something. मैंने बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट पर ऑफिसर के साइन ले लिए। कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर कुछ वेट रखना पड़ा? हाँ, 2.5 लाख। 2.5 लाख? हाँ। रिवॉल्वर सीधा उसकी कलपट्टी पे रख दिया होता, कॉन्ट्रैक्ट उसकी सांसों में छप गया होता। दिया होता तो कॉन्ट्रैक्ट उसकी सांसों में छप गया होता। क्या बात है अभिजीत साहब, आप अपनी किताब पढ़ रहे हैं, कुछ लिखना भूल गए हैं क्या? नहीं, कुछ याद आ गया था। हेलो, कांग्रेचुलेशन, तुम्हारी किताब अच्छी है। थैंक यू। थैंक्स तो तुम्हें मुझे कहना ही चाहिए, क्योंकि तुम्हारी कामयाबी मेरी वजह से। तुम्हारी वजह से? क्या बकवास है,
कौन हो तुम? और मैं जो कुछ भी हूं अपनी मेहनत से अपने टैलेंट से हूं, समझे? पूर्णविराम लिखने में आपको कितना वक्त लगा? एक लेखक कोई किताब अपने आप को समय के बंधन में बांधकर नहीं लिखता, इट्स अ प्रोसेस। आपको खुद पता नहीं होता कि कब आपके दिमाग में एक आइडिया आके बस गया और कब आपने लिखना शुरू किया। मैं सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखता, जब अपने अंदर कुछ महसूस करता हूँ तो लिखता हूँ, या फिर किसी सोशल इशू पर कुछ कहना चाहता हूँ तो लिखता हूँ। लेकिन पूर्ण विराम जैसे थ्रिलर में सोशल इशू क्या है? आपने किताब पढ़ी है? जी नहीं, अभी तक तो नहीं। और मेरा इंटरव्यू करने आ गई? ये कोई तरीका है किसी राइटर से इंटरव्यू लेने का? आई एम सॉरी सर, एक्चुअली बात यह है कि मुझे इस असाइनमेंट के बारे में कल रात को ही इन्फॉर्मेशन मिली है। आई एम रियली सॉरी सर। सर डर गई? मैं तो मजाक कर रहा था। बाय द वे, व्हाट्स योर नेम? मोनिका। मोनिका, नाइस नेम। थैंक यू। तो मोनिका, मैं कह रहा था कि ये इंटरव्यू हम कुछ अलग तरीके से नहीं कर सकते? यहाँ बैठे बैठे मैं अपने आप को राइटर से ज़्यादा लीडर महसूस करने लगा हूँ। कहते हैं चलना कामयाबी की निशानी है, तो चलें। बट इंटरव्यू होगा तो मेरे स्टाइल से, वरना नो इंटरव्यू। ओके। तो तुम पूछ रही थी कि पूर्णविराम में सोशल इशू क्या है? जी। पूर्णविराम हमारे फैलते हुए मेट्रोज की कहानी है, जहाँ कमर्शियलिज्म की रेस में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन वहां रहने वाले लोगों का पेशेंस लेवल घटता जा रहा है, जहां हर आदमी एक कगार पर खड़ा है और धीरे धीरे पागल होता जा रहा है। हेलो, मैं पागल नहीं हूं। तो मैंने कब कहा कि तुम पागल हो? अगर सब कहते हैं, पर मैं पागल नहीं हूं। तो मैं क्या करूं? तुमने मुझे पागल क्यों बनाया? मैंने? हेलो हेलो, क्या हुआ? कुछ नहीं, कोई क्रैंक कॉल था। पर घंटी तो बजी नहीं। घंटी नहीं बजी? घंटी तो बजी थी, मैंने बात भी की, तुमने सुना नहीं? हाँ, लेकिन घंटी शायद मैंने ही नहीं सुनी। एनीवे, वेयर वर वी? हाँ, बता रहे थे कि सर्कमस्टेंसेस आदमी को कैसे पागल बना देते हैं। अब देखो, जैसे ये फोन आया था, ये आदमी मुझसे कह रहा था कि वो पागल नहीं, जबकि मुझे लगता है कि हम सब पागल हैं। मैं, तुम। मैं आपको पागल लगती हूँ? क्या मैं तुम्हें पागल लगता हूँ? जी नहीं सर, आप तो बहुत स्वीट हैं। इतना भी स्वीट नहीं। नहीं, मैं चाय नहीं पीता। मुझे मालूम, ये कॉफी है तुम्हारी वाली, दो चम्मच चीनी के साथ। अभिजीत, आप मेरे बुक कैफे में आए तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ। ये पीछे ना, या कुछ ठंडा मंगाओ आपके लिए। नो थैंक्स। चलो ना, समीर बाहर वेट कर रहा है। समीर? हाँ, यहाँ पार्किंग स्पेस नहीं मिल रहा था। So I asked him to wait in the car. Chalo, chalo, let's go. You don't spend time with me, Abhi. I'm very upset. Kya Nisha, tum bhi? Wahan itne log mujhse milna chahte the. Wow, what a pretty house. Tum yahan akele rehte ho? Haan, bachelor jo hoon. Shaadi nahi ki abhi tak? Bas ek achhe life partner ka intezaar hai. A suitable girl, you know. Girl? Or a lady? Jo bhi. बस मुझे पसंद हो। You mean तुम्हें अभी तक कोई लड़की या औरत पसंद नहीं आई? तो फिर ये क्या है? हेलो हेलो अभिजीत।
मिस्टर सबरवाल, हाय। हाउ आर यू? अरे भाई, डिस्टर्ब तो नहीं किया? कहीं नई किताब लिखने में बिजी तो नहीं हो? अरे, आपने पहली बुक की पब्लिसिटी में इतना उलझा दिया है कि लिखने का टाइम ही नहीं मिलता। पार्टीज, इंटरव्यूज, बुक साइनिंग्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। करना पड़ता है, करना पड़ता है। यू सी, आजकल सब कुछ मार्केटिंग के मंत्र से ही चलता है। और जो मैं लिख रहा हूँ उसका कोई वैल्यू नहीं? वैल्यू है अभिजीत, वैल्यू है। इसीलिए आई एम ए लिटिल वरीड यार। वरीड? पिछले एक दो दिनों से अजीब से फोन कॉल्स आ रहे हैं यहाँ पर। एक आदमी है जो ये कहता है कि पूर्णविराम उसने लिखा है। व्हाट रबिश! ऐसा कैसे हो सकता है? यू ब्लडी वेल नो कि पूर्णविराम। हाँ आई नो, बट किसी हिसाब से बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। निशा, हमें अब चलना चाहिए। तुम जाओ, मैं यहीं रहूंगी अभी के साथ। नो थैंक यू, इफ यू डोंट माइंड, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ। आर यू श्योर यू विल बी ओके? या चलें अब? ठीक है, मैं कल फोन करूंगी। ओके, बाय बाय। यस, मैं कौन हो तुम? तुम ही हो ना जो मेरे पब्लिशर को फोन कर रहा है कि मेरा नॉवल तुमने लिखा है? चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? पूर्णविराम मैंने लिखा है, मैंने अपने हाथों से। उसका एक एक कॉमा, एक एक फुल स्टॉप कब कहां किस पेज पर आता है मुझे पता है, क्योंकि वो किताब मैंने लिखी है, मैंने। और मेरी तकदीर? अरे तकदीर क्या पक रहे हो? तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया? मुझे पागल नहीं करना था। मैं पागल नहीं हूं, मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो प्लीज। हेलो हेलो, एसीपी साहब, मैं अभिजीत बोल रहा हूँ। हो मिस्टर अभिजीत, कहिए कैसे याद किया? सर आप मेरे घर आ सकते हैं? कोई पार्टी है? नहीं नहीं, असल में मुझे एक कंप्लेंट लिखवानी थी। तो आप आ जाइए पुलिस स्टेशन। मैं आ जाऊँ पुलिस स्टेशन? इम्पॉसिबल। अगर मुझे वहाँ पे बैठे हुए किसी ने देख लिया, कोई फोटो खींच लिया, नो सर, इट विल बी बैड पब्लिसिटी। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हम कोई चोर डाकू हैं और हमारा ये पुलिस स्टेशन नहीं किसी अंडरवर्ल्ड डॉन का अड्डा। नहीं एसीपी साहब, मेरा मतलब ये नहीं था। आपका मतलब जो भी था यहाँ आकर बताइए। अच्छा एसीपी साहब, अगर आप नहीं आ सकते हैं तो कम से कम अपने किसी इंस्पेक्टर को भेज दीजिए। सॉरी मिस्टर अभिजीत, वारदात से पहले हम हाउस विजिट्स नहीं करते। वैसे भी देखिए, आप जैसे सेलिब्रिटी राइटर के यहाँ आने से हो सकता है हमारे पुलिस स्टेशन की इमेज भी सुधर जाए। तो आप आ जाइए जी, मैं आपकी वेट करूंगा। ओके। साफ पेपर नहीं चाहिए। आपके मतलब का न्यूज है, पेज नंबर 7। कम इन, आइए 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 मिस्टर अभिजीत। सॉरी आपको यहाँ आना पड़ा। क्या है कि हमारे महकमे के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना पड़ता है, वरना हम तो हैं ही पब्लिक सर्विस के लिए। प्लीज़ बैठिए। ये सब तो आप पहले ही समझा चुके हैं एसीपी साहब, अब ये बताइए कि मैं आपको कंप्लेंट कैसे करूँ। मुझे बताकर। ऑलराइट एसीपी साहब, पिछले 2-3 दिनों से मेरे यहाँ कोई आदमी अजीब अजीब कॉल्स किए जा रहा है। जब पहली कॉल आई तो मुझे लगा कि कोई कंग्रेचुलेटरी कॉल है, लेकिन उसके बाद कॉल अजीब होती गई। वो फ़ोन पर रोने लगा, मुझसे कहने लगा कि वो पागल नहीं। अब तो हर दिन 2 या 3 कॉल ऐसे ही आते रहते हैं, और जब भी मैं नाम पूछता हूँ तो वो डिस्कनेक्ट कर देता है। यह तो पैकेज डील है मिस्टर अभिजीत, जो हर कामयाब इंसान को उसकी शोहरत के साथ मिलता है। आई एम श्योर वो बेचारा भी कोई आपका हार्डकोर फैन होगा। मामला इतना सीधा नहीं है इसी के साथ जितना आप समझ रहे हैं, और ना ही वो मेरा कोई फैन है।
वो तो मुझ पर इल्जाम लगा रहा है कि मैंने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। लेकिन आप उसकी बातों को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं? होगा कोई पागल, जस्ट इग्नोर हिम। यस कम इन सर। अभी अभी एक रिपोर्ट आई है कि नो प्रॉब्लम मिस्टर काले। मिस्टर अभिजीत अपने ही आदमी हैं और हो सकता है इन्हें अपनी किताब के लिए एक अच्छा प्लॉट मिल जाए। कहिए सर। सात बंगला में कल रात एक मर्डर हो गया। मरने वाले के सर पर एक भारी हथौड़े से वार किया गया जिससे उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने बताया कि मर्डर लगभग रात के करीब 1:30-2 बजे हुआ हो। अच्छा सर, नाइट वॉचमैन ने बताया कि लगभग उसी वक्त उसने एक अजीब से पागल आदमी को वहां से भागते हुए देखा था। और मरने वाले का नाम? फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर गीतकार रितेश खन्ना। रितेश मौजूद? डीसीपी साहब, पूर्णविराम फिल्म के गीत वही लिखने वाला था। सर मुझे तो लगता है कि जरूर कोई ऐसा आदमी है जो ये चाहता है कि हमारी फिल्म नहीं बने, वरना रितेश खन्ना जैसे आदमी का इतनी बेरहमी से कत्ल। उसकी कोई रंजिश नहीं किसी के साथ, कोई झगड़ा नहीं। मुझे लगता है कोई पागल आदमी है सर। और आई थिंक आई एम वरीड अबाउट ऑल ऑफ अस। नहीं नहीं, डोंट वरी। लेकिन आप अपना ख्याल जरूर रखिएगा। जी, और आप भी। तो फिर मिलते हैं स्क्रीन प्ले सेटिंग पे। ओके बाय सर। पागल खाने से छूट गया हूं। शिवानी ही हूँ। तुम अभी तक नहीं बदले। पर तुम बहुत बदल गए। ये नहीं पहले से थोड़ा अच्छा है। बहुत बड़े राइटर बन गए हो ना। अब हम सारी बातें यहीं करेंगे या फिर? डरती हूँ अभिजीत, कहीं मेरे घर की छत तुम्हारी कामयाबी के कद से नीचे निकली तो? ऐसा कुछ नहीं। और ये अभिजीत, अभिजीत क्या लगा रखा है? मैं वही तुम्हारा अभी हूँ, और अगर तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगी तो मैं खुद चला आऊंगा। हाँ, अब ये घर घर लग रहा है, कोई किराए का कमरा नहीं। वैसे फ्रांसिस ने किराया बढ़ा दिया होगा ना? वो है कहाँ? बाहर गया है, आ जाएगा। कॉफी पियोगे? 2 चम्मच चीनी वाली। अभी तक याद है? हाँ।
सनफ्लावर्स। ओह वो तो तुम्हारी किताब के बारे में सुना तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं बहुत खुश थी, तुम्हें विश करना चाहती थी। अब एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भेजना तो मेरे बस की बात नहीं थी, सोचा तुम्हारी पसंद की कोई एक खास चीज। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर शिवानी, तुम मुझसे नाराज नहीं थी? कई दिनों तक, कई महीनों तक। टाइम इज अ ग्रेट हीलर, हर घाव भर देता है। मतलब तुमने मुझे माफ भी कर दिया और भूल भी गई? माफ कर दिया पर भूला नहीं पाई। मैं भी नहीं भूला शिवानी। आई नीड यू। हम फिर से एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। अब मेरे पास पैसा है, नाम है, बस तुम मेरी जिंदगी में आ जाओ तो मेरी जिंदगी का अधूरापन भी दूर हो जाएगा। हमने जो सपने मिलकर देखे थे, हम उनको पूरा कर सकते हैं। और उन सपनों का क्या जो मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर देखे? हस्बैंड? तुमने शादी कर ली फ्रांसिस से? तू यहाँ क्या कर रहा है हमारे घर में? फ्रांसिस प्लीज, ये कीड़ा हमारे घर में, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैम, मैं तो ये सोच के आया था कि तुम्हारी कुछ हेल्प करूं। हेल्प? थैंक्स, हमें चैरिटी नहीं चाहिए, स्पेशली तुम्हारी बिल्कुल नहीं। अपनी लाइफ बनाने के लिए हम सबकी लाइफ खत्म कर दी तुमने। मैंने क्या किया? क्या किया? जिस दिन पब्लिशर से कॉल आया, मुझे मैसेज तक नहीं दिया, उल्टा पब्लिशर से जाकर मिला और कहा कि फ्रांसिस तुम्हारा पेन नेम है। मेरा कॉन्ट्रैक्ट मुझसे छीन लिया। फ्रांसिस, जो हो गया उसे भूल जाओ ना प्लीज। क्यों भूल जाऊं और कैसे भूल जाऊं? तुम्हें गॉड बनना है ना, तुम बनो। लेकिन मैं नहीं भुला सकता जो इसने तुम्हारे साथ, मेरे साथ और मयंक के साथ किया है। मयंक? भूल गए? बोलो कहां है मयंक? अरे बताओ ना। मुझे क्या मालूम, वो तो तुम्हारे साथ था ना। तुम्हारे साथ था? मयंक हमारे साथ था। शिवानी याद है, एक दिन मयंक कैसे अचानक गायब हो गया? इसके पीछे इसी का हाथ है। He is the bloody culprit. Francis, ये क्या बेलगाम बातें कर रहे हो तुम? ये सबका क्या मतलब है? मतलब है, इस आदमी ने मयंक को मार डाला है। मैंने किसी को नहीं मारा। तुम जलते हो मुझसे, इसलिए मुझ पर। शिवानी मेरी बात का यकीन कर। शिवानी, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं तुम्हारी बात का यकीन करती हूँ अभी। फ्रांसिस प्लीज प्लीज, क्या हम सब कुछ भूल कर शांति से बैठ कर बातें नहीं कर सकते इसके साथ? नहीं शिवानी, अगर ये एक पल भी यहाँ रहा ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। फ्रांसिस, कम ऑन, फ्रांसिस, गेट आउट, निकल जाओ यहाँ से, जस्ट फ्रांसिस, गेट आउट। हाँ बेटा, हाँ, जाग गए? सॉरी सॉरी सॉरी। पहचानते हो इसे? ये तुम्हारा बेटा है। नहीं फ्रांसिस, ये हमारा बेटा है और तुम इसके बाप। हेलो, नींद नहीं आ रही? तुम? मुझे भी नहीं आ रही। कई सालों से नहीं सोया हूं मैं, पता है? पागल खाने में कोई नहीं सो सकता। हाँ, तुमने मुझे पागल क्यों बनाया? मैंने? हाँ, एक कामयाब बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर जिसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा था, तुमने एक झटके में उसकी तकदीर बदल दी। पागल बना के तुम विजय हो? खूब पहचाने हैं? नहीं, नहीं, नहीं। तुम विजय कैसे हो सकते हो? विजय तो सिर्फ एक किरदार है।
हकीकत थोड़ी है। मैं तुम्हारा वही विजय हूँ जिसको तुमने पागल खाने भेज दिया था, उसी मास्टर स्ट्रोक की वजह से तुम्हारी कहानी हिट हो गई। लेकिन मैं अपनी हकीकत को तुम्हारी कहानी नहीं बनने दूंगा। तुम्हें अपनी कहानी का एंड बदलना होगा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अपनी किताब लिख चुका हूं, किताब छप चुकी है। I'm sorry, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें बदलना होगा। नहीं, मैं सो नहीं पाऊंगा। देखो, अब कुछ नहीं हो सकता। सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता मैं। साहब, आपका सामान रख दो। किसने भेजा ये सब? मुझे क्या मालूम, दुकान में किसी ने फोन किया होगा और सेठ ने भेज दिया। लेकिन मैंने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया। आपने नहीं तो आपके घर में किसी ने? मेरे घर में मेरे सिवा और कोई है ही नहीं। कोई नहीं है, कोई बाई बाई होगी। हाँ, शायद बाई ने ऑर्डर किया। लेकिन ये सब और ये कौन? ये क्या? ये भी तो पूछने की पता है, और चाहिए तो फोन कर दीजिए। अरे सुनो, किस दुकान से भेजा है सब? Excuse me, Nisha here. Oh, Nisha, I'm sorry. किसे डांट रहे थे? कल रात वाली girlfriend को? अरे कैसी बातें कर रही हो? क्या समझ रखा है तुमने मुझे? हाँ? Casanova. और वो भी एक handsome Casanova. Shut up. देखो, मुझसे flirt करना छोड़ दो. ये सब चीजें अपनी उम्र के लोगों के साथ अच्छी लगती हैं. So what? I love you. Love? Don't be silly. ये तो infatuation है. और वैसे भी तुम्हारा boyfriend है. कौन? समीर? वो मेरे पीछे पीछे घूमता है ताकि डैडी उसे अपनी नेक्स्ट फिल्म में हीरो बना दे। उसकी और मेरी दोस्ती सिर्फ मतलब की है। एनीवे फॉरगेट समीर, मुझे तुमसे मिलना है। नहीं, आज नहीं, आज मेरी मीटिंग है पब्लिशर के साथ। सारा दिन? 12:30 बजे तक चलेगी। ओह ग्रेट, तो फिर लंच मेरे साथ। मैं सैंपैन में टेबल रिजर्व करवा देती हूँ। ओके, एंड आफ्टर लंच नो मोर अपॉइंटमेंट्स। ओके, तुम्हारा सारा दिन मेरा। Bye. See you. Okay. Bye. Nisha. अरे तुम? किससे मिलने जा रही हो? None of your business. और please तुम फोन किए बिना ऐसे मेरे घर मत टपको। उस writer से मिलने जा रही हो? जाने बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा तो हाँ। और तुम्हें सच ही सुनना है तो yes, I like him. You like him? वो एक नंबर के झूठे फ्रॉड में like him? तुमसे तो अच्छा है। आपने कौन से दुकान से सामान मंगवाया? सब खराब सामान भेजता है। मैंने ये सब तो तुमने ऑर्डर किया था। मैंने? मैंने तो ऑर्डर नहीं किया साहब। तुमने ऑर्डर नहीं किया? नहीं। क्यों? क्या हुआ? हाँ, नहीं कुछ नहीं। शायद मैंने ही। साहब, आजकल आप ज्यादा ही कुछ भूल रहे हो। क्या?
क्या मतलब? मतलब मेरी पगार देना भी आप भूल गए। निशा, निशा तुमने इस वक्त किस रंग के कपड़े पहने हुए हैं? ग्रीन, क्यों? ओह नो, नॉट पॉसिबल। बात क्या है अभी? निशा मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सुबह से एक के बाद एक हादसे होते जा रहे हैं। मेरी किताब में जो भी सिचुएशन है वो सच होती जा रही है। कौन सी किताब? पूर्णविराम। ग्रोसरी वाले ने सामान भेज दिया जो किसी ने ऑर्डर ही नहीं किया था, और उस सामान में टूटी हुई सॉस की बॉटल। निशा मेरी किताब में भी ऐसी सिचुएशन है, बिल्कुल ऐसी, जो फाइनली एक आदमी को पागल कर देती है। I'm sorry for saying this, पर तुम तो अभी से पागल जैसी बातें कर रहे हो। निशा, please listen to me. अभी जाकर अपना ड्रेस चेंज कर लो, please. हरे रंग के अलावा कोई भी रंग, कोई भी ड्रेस पहन लो, please. ड्रेस चेंज कर लो, पर मैं तो घर से निकल चुकी हूँ. I'm already in the car. No. Stop the car right away. निशा, please. निशा, मेरी बात सुनो. तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला है. निशा, मेरी बात सुनो, प्लीज. अच्छा, मेरी कार का एक्सीडेंट हो जाएगा तो फिर मेरी लास्ट गोल्डन वर्ड भी सुन लो. Avi, I love you. I said I love you, I love you, I love you. Nisha! तो यहाँ पूल खेलने आया था। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो तुम। मेरा पीछा कर रहे हो? मैं क्यों करूंगा तुम्हारा पीछा? क्योंकि निशा मुझे चाहने लगी थी। तुम ही ने उसकी गाड़ी की ब्रेक फेल कराई है, तुमने उसे मार डाला। क्या बक रहे हो, वो एक एक्सीडेंट था तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, वो तुमसे मिलने आ रही थी। शी वॉज क्रेजी अबाउट यू, यू किल्ड हर। नहीं, जरूर मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। कोई मेरी कामयाबी से जलता है। तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो, तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तुम पागल हो गए हो, तुम पागल हो गए हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुझे मिलने आया? मेरे पास टाइम नहीं है तुमसे मिलने का। ए बड़े साहब, ये सब अब नहीं चलने वाला है। आज तक चलता था, पर अब तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। धमकी दे रहे हो मुझे? किस बात की धमकी दे रहे हो? धमकी वमकी नहीं है, बिजनेस बिजनेस की बात है। मेरा कर्जा उतार दो, मैं चुपचाप यहाँ से। पैसे चाहिए तुम्हें? तुम जैसे आदमी से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? मुझसे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? हाँ, तेरी छोड़ी हुई गर्लफ्रेंड को मैंने संभाला है, तेरे बेटे को अपना नाम दिया है मैंने, तेरी हर काली करतूत पर मैंने पर्दा डाला है। बदले मुझे क्या मिला? सोशल सर्विस नहीं है, इन सबकी मुझे कीमत चाहिए, समझे? ब्लैकमेल कर रहे हो अभी पुलिस पर।
तू क्या समझता है मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगा? चिल्ला चिल्ला के कहूंगा कि तू एक धोखेबाज है, खूनी है, समझा तो? हाय अभिजीत, दिस इज सबरवाल हियर, प्लीज कॉल मी इमीडिएटली। तुम्हें मेरा एंड बदलना ही होगा। मैं कल शाम 8 बजे आ रहा हूँ, तैयार रहना। तुम्हें मेरा एंड बदलना ही होगा। मैं कल शाम 8 बजे आ रहा हूँ, तैयार रहना। एसीपी खानविलकर हियर। क्या? मगर मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं, आप बिना वजह, देखिए बिना सबूत के हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। क्या प्रूफ है? कौन भाई जय? अभिजीत साहब घर पर हैं? हाँ है। आप इधर रुको, मैं अभिजीत साहब को बुलाती हूँ। साहब आपसे कोई साहब मिलने आए हैं। कौन है? ओ एसीपी साहब, एसीपी साहब आइए। गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर कमिंग। भाई काफी तगड़ी सिक्योरिटी है। एसीपी साहब क्या करें, आप तो कुछ हेल्प कर नहीं रहे हैं। भाई ये तो आपकी सरासर ज्यादती है, मैं तो खुद यहाँ आया हूँ। टेलीफोन पर आप इतने नर्वस थे, इतने घबरा रहे थे कि आई हैड टू कम। घबराने की बात तो है एसीपी साहब, आइए ये सुनिए। सुनिए। हाय अभिजीत, दिस इज सबरवाल हियर, प्लीज कॉल मी इमीडिएटली। मगर कल रात को उसमें मैसेज था, उस आदमी ने, वो पागल, उसने मैसेज छोड़ा था कि मुझसे मिलने आ रहा है। कल मैंने मैसेज चेक किया था। रिलैक्स मिस्टर अभिजीत, रिलैक्स। मुझे लगता है नहीं आज सुबह जब मैं आपको फोन करने वाला था, उससे पहले मैंने प्ले करके मैसेज चेक किया था, उस वक्त मैसेज था लेकिन अब नहीं है। मुझे लगता है ऐसा कोई मैसेज था ही नहीं। एसीपी साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप एक बहुत ही सेंसिटिव राइटर हैं। क्या मतलब? आप सिर्फ क्रेजी सिचुएशंस लिखते ही नहीं, उन्हें महसूस भी करते हैं और खुद जीते भी हैं, और अब आप दूसरों को भी यकीन दिलाने की कोशिश। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? किताब में जो कुछ लिखा गया था वो एक एक करके सच हो रहा है। कल निशा का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद आंसरिंग मशीन पर ये मैसेज, अब वो आदमी मुझसे मिलने आ रहा है मुझे मारने के लिए। वो पहले एक खून कर चुका है। खून? किसका खून? वो सॉन्ग राइटर रितेश खन्ना का खून, उसको उसी ने मारा है। वो खूनी, वो तो पागल है, पकड़ा जा चुका है। आपने पेपर नहीं पढ़ा है? आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं आप? बम्बई में क्या एक ही पागल है? पूरा शहर पागलों से भरा हुआ है। अगर आप ऐसे ही बिहेव करते रहे तो बहुत जल्दी आप भी उनमें शामिल हो जाएंगे। अभिजीत मेरा एक सजेशन है, आप हर वक्त ये मर्डर मिस्ट्री की बातें सोचना बंद करके अपने दिमाग को आराम दीजिए। आप एक लंबी छुट्टी पे चले जाइए। देखिए आपका अपनी इस कामयाबी की दहशत से बाहर आना बहुत जरूरी है। सर चाय साहब, आप क्या कर रहे हैं साहब? ये मशीन में कुछ गड़बड़ है। क्या मतलब? मतलब आप बाथरूम में गए थे ना, मैं यहाँ साफ कर रही थी, अचानक ये मशीन से आवाज आई टीप टीप अपने आप, मगर मैंने ये बटन दबा दिया और आवाज चली गई। कौन सा बटन? ये
एसीपी खानविलकर हियर। हेलो एसीपी साहब, मैं अभिजीत। सर वो मेरी आंसरिंग मशीन पर मैसेज था सर, मेरी बाई ने गलती से इरेज बटन दबा दिया था। अभिजीत अभिजीत, तुम्हें ये क्या हो रहा है? कभी आंसरिंग मशीन पर मैसेज है, कभी नहीं है। तुम सचमुच पागल हो रहे हो। सर प्लीज सर, सर आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी सर। सर प्लीज यू हैव टू हेल्प मी। सर मुझे पूरी सुरक्षा चाहिए। आप समझते क्यों नहीं सर, मेरी जान को खतरा है। वो अभी मेरे घर आ रहा है, मुझे मार डालेगा वो सर। ओके ओके ओके, काम डाउन। आप शांत रहिए, मैं एक कांस्टेबल को आपके घर पे तैनात कर देता हूँ, ठीक है? एक कांस्टेबल? मिस्टर अभिजीत, हमारे डिपार्टमेंट के कुछ। ओके सर चलेगा। सर सर आप प्लीज उसे जल्दी भेज दीजिए सर। ठीक है मैं भेज रहा हूँ। वैसे आपका वो पागल मर्डरर कितने बजे आने वाला है? आज शाम 8 बजे सर। कॉफी मुझे नहीं चाहिए, वो जो बाहर कांस्टेबल खड़ा उसको दे दो। पुलिस यहाँ? सब कुछ गड़बड़ है क्या? दिमाग मत खाओ, जो काम बोला है वो करो। क्या हुआ, कॉफी दी नहीं उसे? वहां तो कोई नहीं है। अभी तो देखा था मैंने उसे, मगर अब नहीं है, गया होगा बीड़ी पीने। मिलिया साहब, खाना बना दिया है, मैं चलती हूँ। और साहब नमक खत्म हो गया है, मंगवा देना। ठीक है। एसीपी साहब को फोन करना था कि मैं ड्यूटी पर पहुंच गया हूं। ठीक है। फोन ही रखा है। हेलो अभिजीत। हेलो एसीपी साहब। देखो मैं कितनी देर से तुम्हें फोन पर ट्राई कर रहा हूँ। एंगेज मिल रहा था। नहीं तो एनीवे मैं भी आपको फोन करने ही वाला था, थैंक यू बोलने के लिए। थैंक्स किस लिए? पुलिस प्रोटेक्शन भेजने के लिए। हाँ उसी के बारे में तो मैं कह रहा हूँ, वो आज पीएम आने वाले हैं इसलिए मेरी सारी टीम उसी में बिजी हो गई है। आई एम सॉरी मैं वो कॉन्स्टेबल भेज नहीं सका। हेलो तो नहीं लग रहा हूं ना है? दो देखो तुम चले जाओ यहां से, चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस क्या करेगी? मैं तो सिर्फ पूर्ण विराम का एक किरदार।
दे। तुम क्यों मुझे ऐसे, क्या चाहते हो तुम? चैन, शांति। चार, एक एक अलग एंडिंग। मैं तुम्हें वापस पागल खाने भेज दूंगा। फिर से चम्मच हर चीज नाप तौल के हिसाब से हमेशा की तरह है ना अभी तुम? हाँ मैं तुम्हारा गिल्ट, तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारा पुराना दोस्त पूर्ण विराम का असली राइटर।